छतरपुर शहर के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर गैंगबारी की घटना सामने आई है। यहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ है, जिसमें ताबड़तोड़ गोलियां भी चली हैं, जिसके कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें एक युवा फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दो पक्षों में विवाद हुआ है, इसके बाद यहाँ पर फायरिंग की गई है। एक पक्ष के पीछे यातायात पुलिस के कुछ जवान भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक रिक्शे चालक के वाहन में बुलेट लगी है। जैसे ही इसकी सूचना सिटी कुतवाली पुलिस थाना प्रभारी अरविंद कुजूर को लगी, तो मौके पर थाना प्रभारी भी पहुंच गए। वहीं CSP अमन मिश्रा भी यहां पर पहुंचे। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आखिरकार जो घटना यहां पर घटित हुई है, उसकी वजह क्या है? दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं से लोगों में आक्रोश की लहर व्याप्त है। उनका कहना है, अगर शहर के बीचों बीच वाले स्थान में इस तरह की घटना होती है, तो इसका जवाबदार कौन है? पुलिस को खासी चेतावनी इन आरोपियों द्वारा दी गई है, लेकिन पुलिस भी मुस्तैदी से आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार पुलिस इन आरोपियों को कब तक पकड़ पाती है। वहीं एक युवक इस गैंगबारी में घायल भी हुआ है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बस स्टैंड में बस संचालन को लेकर, बुकिंग की बात को लेकर भी विवाद हुआ है और मारपीट हुई। एक आदमी भर्ती है, अब उसका बयान लेना, बयान ले रहे हैं, जैसा बताता है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। गोलीबारी की घटना, हाँ, अब वहाँ मौके में घटनास्थल का निरीक्षण किए, वहाँ 2 राउंड फायर होना बता रहे हैं, तो अब उसकी तस्दीक कर रहे हैं। गोली चली। घायल की हालत सर गंभीर है? अभी नॉर्मल है।